बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई एम योर फेलो ट्रेडर अय्यूब राना एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैसडैक और फॉरेक्स पेयर्स को 23rd of October मंडे के एनालाइज करेंगे। फंडामेंटली देखें तो आज के दिन हमारे पास कोई इकोनॉमिक कैलेंडर में कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है जो कि इकॉनमी को या किसी करेंसी को हिट कर सके। बट जो वार का डेटा है वो अभी तक, वार आपको पता है कि अभी कूल डाउन नहीं हुई, बट उसमें थोड़ी बहुत कह लें कि कूल डाउन होने की खबरें हैं। जैसे कि अमेरिका के होस्टेजेस को रिहा किया गया, यानी कि उनको हमास ने अमेरिका के होस्टेजेस को फ्री किया, एंड आफ्टर दैट एड भी आ रही है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कूल डाउन इफेक्ट देखने को मिल गया ऑयल और गोल्ड में। वो जो इफेक्ट है वार का वो कब तक रहता है हमें देखना पड़ेगा। और वार की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको डिफरेंट न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ चैनल्स को देखना पड़ेगा ताकि वार का क्या होगा। अगर कोई भी ऐसी कोई स्ट्राइक अगेन होती है या वार में कोई तेजी आती है तो फिर इन मार्केट्स में भी तेजी आ सकती है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, हम देखते हैं आज के दिन हमारे पास कौन से लेवल्स हैं और कहाँ से हम कौन सी ट्रेड ले सकते हैं। जी ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है, इसमें देखें तो अभी तक इसमें हमें एक पुल बैक की आप कहें तो है, एक्सपेक्टेशन है, और वो पुल बैक आ सकता है टूवर्ड 4.8 to 4.7। फिर से जैसे हम इसको बाय में देख सकते हैं। फोर वाले चार्ट में भी एग्जैक्टली सेम एरिया है, 4.8 से 4.75 का ऑलमोस्ट एरिया, और यहाँ तक ये पुल बैक आ सकता है, फिर इसमें बुलिश मूव अगेन चल सकती है। एंड डॉलर इंडेक्स को अगर देखें तो इसको जो है ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड कर रहा है। डेली का स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है, फोर वाली स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका था तो उसकी वजह से अभी जो है यहाँ पे एक तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको ये फिल करेगा तो यहाँ से इस एरिया से ये ऊपर की तरफ 107 के आसपास जा सकता है। 107 से हम इसमें एक सेलिंग मूव देख सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो डेली के चार्ट में गोल्ड बुलिश है, और गोल्ड को हम बाय करना चाहेंगे तो कहाँ से करना चाहेंगे, हमें ऑलमोस्ट 1945 से अगर 1932 के एरिया मिलता है बहुत अच्छा एरिया, तो इस एरिया से हमारी एक अच्छी बाय की मूव निकल सकती है। डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ब्रेकर ब्लॉक्स भी हैं। 1945 टू आपके पास है जी 1931। आफ्टर दैट अगर 4 घंटे के चार्ट में देखें तो हमारे पास दो लेवल्स निकल रहे हैं। एक तो जो नियरेस्ट लेवल है 1961 से 19 आपके पास है जी 57। जब यहाँ पे आता है तो हमने इसको डायरेक्टली बाय नहीं करना, हमने यहाँ पे वेट करना है 5 मिनट के चौक का, क्योंकि अभी 4 घंटे का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम ये बुलिश है, बट जो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम वो इस टाइम बेरिश हो चुका है। जब मतलब कि आपका मेजर टाइम फ्रेम बुलिश हो जिसको फॉलो करें और माइनर टाइम फ्रेम बेरिश हो, तो आपको क्या करना पड़ता है कि मेजर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट के आने का वेट करना पड़ता है। जब मार्केट उस टाइम आपके मेजर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो वहाँ पे आप माइनर टाइम फ्रेम के चौक का वेट करते हैं, क्योंकि माइनर टाइम फ्रेम तो बेरिश था तो उसके बुलिश होने का वेट करेंगे फिर आप उसको बाय करेंगे। तो ये जो एरिया बता रहा हूँ मैंने, यहाँ पे आपने 5 मिनट या 15 मिनट का चौक का वेट करना है 1961 से 1956 का एरिया। आफ्टर दैट अगर यानी इस एरिया को होल्ड नहीं करता तो फिर हम इसको नीचे देखेंगे 1935 टू 1930 का एरिया, यहाँ से हम इसको बाय देखना चाहेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये, या फिर यहाँ से अगर यहाँ पे ये स्टे नहीं करता तो फिर नीचे वाले एरिया से हम इसको यहाँ से बाय करना चाहेंगे फॉर 19 आप कह लेंगे 90 2000 के एरिया के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं फॉर टूडे स्ट्रक्चर के, टूडेज आज का स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कहाँ से सेल या बाय मिल सकती है। आज का देखें तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो है 1973 का पॉइंट मार्क करवाया था और ये स्ट्रक्चर लो था 15 मिनट में। मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो गोल्ड बेरिश होगा फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम बुलिश है तो बाय में ही देखना है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें अगर ये बेरिश बेस बता रहे तो इसका मतलब है कि मेजर टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो अभी के लिए एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। आप देखें तो यहाँ पे ये 15 मिनट का चौक आ चुका है। अब आपने सेल करना है तो कहाँ से करना है, बेस्ट लेवल जो सेल के होंगे अगर आपको ये ऊपर मिलता है तो 1986 से आप कह लेंगे 1992 1993 ये $6 का जोन बना, इस एरिया में आपने 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट वेट करना है, क्योंकि अब जब 5 मिनट और 15 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश है तो जब ये हमें 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी बेरिश है तो उसके हमें चौक होने का वेट नहीं करना, स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना, तो फिर यहाँ से ये सेल हो जाएगा। और सेल कहाँ तक चल सकती है, सेल आपकी मैंने जैसे 4 घंटे के चार्ट में हमने देखा इसको, ये आपकी 1962 से चल सकती है 1956 तक ये आपकी सेल चल सकती है।
अगर 1962-56 के एज में कन्फर्मेशन देगा तो हम इसको यहाँ से बाय देखना चाहेंगे, अदरवाइज हम इसको फिर 1935-1940 तक भी देख सकते हैं और फिर अगेन उस एरिया से हम बाय देखेंगे। तो ये जो एरियाज बाय के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हमें 5 मिनट 15 मिनट का चौक देखना पड़ेगा, चौक मिलेगा तो वही हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। ओवरऑल ये है बुलिश ही। आ जाए जी ऑयल की तरफ। ऑयल को देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है ये एक 89.4 का 89.5 तक का जा रहा है। ये एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है यहाँ पे, आप कह लें फेयर वैल्यू गैप का डेली का 4 घंटे के चार्ट में इस लेवल ने अच्छा प्ले किया। अभी तक 4 घंटे का जो स्ट्रक्चर है बुलिश है। ये आपका स्ट्रक्चर लो बन रहा है यहाँ पे जी 85.36 के नीचे जब तक कोई क्लोजिंग नहीं आती 30 मिनट की, 4 घंटे की, 1 घंटे की कोई भी, तब तक आप इसको बाय में देखेंगे। और बाय में आपने देखना कहाँ से है, बाय में आपने इसको देखना है फ्रॉम 86.5 to 86.4 का एरिया। इस एरिया में आप 5 मिनट का चौक का वेट करें और इस पर यहाँ से बाय करें, क्योंकि 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है बेरिश हो चुका है तो इसका आपको बुलिश होने में भी वापस बुलिश होने का वेट करना है। जब ये बुलिश हो जाए तो फिर आप इसको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका 90 तक होगा। 90 के एरिया पे आपका फिर 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है स्ट्रॉन्ग, इस एरिया से फिर आप इसमें रिजेक्शन देख सकते हैं। नेस्डेक में देखें तो क्या है जी, नेस्डेक जो है बेरिश है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरे टारगेट जो है 14,200 के आसपास के हैं इन द लॉन्ग रन, और ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको सेल कहाँ से करना है, सेल करना है तो डेली का ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 14,865 का लेवल है। 4 घंटे में भी हम निकाल लेते हैं यस, और 30 मिनट के चार्ट में देखें तो हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल हाई जो है अभी तक यहाँ पे है, लो शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये अगर आपको देता है एंट्री 14,865-60 या फिर इससे ऊपर जाता है तो 14,900 के आसपास एंट्री मिलती है, तो ये बहुत अच्छी एंट्री होगी। यहाँ से इसको आप सेल कर सकते हैं फॉर 14,400 एंड आफ्टर दैट 14,200 के लेवल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर को आज के लिए छोड़ दें। GBP USD में यानी कि पाउंड USD में आए तो हम इसमें बुलिश हैं, बाय में हैं, और हमने इसमें हमारी एक ट्रेड भी चल रही है। अभी तक ये बुलिश ही है, इसका स्ट्रक्चर लो यहाँ पे है 1.20367, ये इसका स्ट्रक्चर लो है। नेक्स्ट ये यहाँ से अपने स्ट्रक्चर हाई की तरफ जा सकता है और 1.23 आपका टारगेट हो सकता है अगर आप मेरे साथ बाय में हैं। अच्छा जो लोग न्यू एंट्री लेना चाहते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट में हम इसको देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट में आप देख लें। इन केस अगर ये डाउन आता है हमारी एंट्री की तरफ वापस तो आप इसको बाय कर सकते हैं फ्रॉम 1.21 09 to 1.21 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट आपका वही रहेगा 1.23 के आसपास, तो इसको आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो में हमारे पास अभी तक जो है लेवल जो हमारा था बाइंग का उसकी तरफ ये नहीं आया। अगर वहाँ पे दोबारा से आता है तो हम इसको अगेन बाइंग की तरफ देखेंगे, और अभी इसमें वेट है। और मैं यूरो यूएसडी या पाउंड यूएसडी दोनों में से एक को ट्रेड करता हूँ तो यूरो यूएसडी में आपके टारगेट जो है 1.048 से 1.045 का लेवल है, इस लेवल पे आता है यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ से बाय देखूंगा आफ्टर 5 और 15 मिनट्स चौक। अभी तक ये 4 घंटे के इस फेयर वैल्यू गैप में रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से डाउन आ सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको अनालिसिस समझ आया होगा। अनालिसिस समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।